हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शब्द सादृश्यता, वर्ड एनालॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्ड एनालॉजी में जीके से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, उन्हीं को ही वर्ड एनालॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा है, प्रश्न नंबर 1 दिया है, रुधिर विज्ञान, रुधिर विज्ञान का संबंध रक्त से है। मतलब रुधिर विज्ञान जो है, रुधिर विज्ञान का जो रुधिर विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है उसमें क्या, रक्त के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो शैवाल विज्ञान के बारे में, शैवाल विज्ञान जो है वो किससे संबंधित है, तो शैवाल विज्ञान जो शैवालों से संबंधित होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, जो घेंगा रोग है वो किसकी कमी से होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो एनीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है जी, एनीमिया जो होता है वो लोहे की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, घेंगा रोग किससे होता है, घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, जो कि नमक में पाया जाता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, तो इसी प्रकार एनीमिया किससे होता है, एनीमिया एनीमिया होता है जी लोहे की कमी से। ठीक है, आयरन की कमी से होता है, जब शरीर के अंदर आयरन की कमी आ जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, एनीमिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 3 आ जाता है, मनुष्य का संबंध स्तनपाई से है, तो सर्प का संबंध किससे होगा। मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, स्तनपाई होता है। ठीक है, मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, स्तनपाई होता है। ठीक है, और सर्प जो होता है वो क्या होता है, सर्प क्या होता है, कीट होता है, विष होता है, सरीसृप होता है, ये भी सर्प ही होता है। तो सर्प जो है सर्प के चलता है वो, ठीक है, रेंगते हुए, यानी कि वो होता है सरीसृप। ठीक है, सरीसृप यानी कि वो रेंगते हुए चलता है, सरकते हुए। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है सरीसृप, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 4 आ जाता है कि पंजाब का संबंध इससे है, तो गुजरात का संबंध किससे होगा। पंजाब को यहाँ पे हमें दिख रहा है भांगड़ा, ये तो पंजाब का जो लोक नृत्य होता है वो भांगड़ा ही होता है। पंजाब का लोक नृत्य क्या होता है, भांगड़ा होता है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि गुजरात का लोक नृत्य जो है वो क्या होता है, गुजरात का लोक नृत्य जो है वो क्या होता है, गुजरात का लोक नृत्य होता है गरबा। ठीक है, गरबा, गुजरात का लोक नृत्य जो है वो क्या होता है, गरबा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 5 आ जाता है कि लंबाई का संबंध मीटर से है, तो विद्युत शक्ति का संबंध किससे हुआ। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है कि भाई लंबाई को जो है हम मीटर में नापते हैं, लंबाई को जो है हम काल में नापते हैं, कि लंबाई का मात्रक जो है वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, लंबाई को हम काय में मापते हैं, मीटर में। तो विद्युत शक्ति का जो, विद्युत शक्ति को जो मापते हैं वो किस में मापते हैं, या विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन बी डिग्री, ये भी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।